भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, गेंद का बहाना लेकर राक्षसों के सामने से निकली हैं। जब राक्षसों ने मोहिनी को देखा मोहित हो गए और वो अमृत कलश मोहिनी के हाथ में रख दिया। क्यों? बोले अमृत भी आपके सामने फीका है। हाँ? आप हो कौन? तो अपना परिचय दिया, हम कश्यप जी की संतान दैत्य। तो मोहिनी ने हंसी आ गई और वो कलश वापस दे दिया। क्यों? मुझे नहीं पता था इतने बुद्धिमान कश्यप बाबा उनकी औलाद ऐसी मूर्ख। हाँ? तो राक्षसों का मूर्ख बोले हाँ तुम्हें नहीं पता कि अनजान स्त्री का पुश्चली स्त्री का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो और भरोसा बढ़ गया, अब तो आप ही अमृत का निर्णय करो। हाँ देवता भी पहुंच गए, मंथन करके हमने निकाला। तो मोहिनी ने क्या कहा, देखो मेहनत देवताओं ने की है तो मैं इन्हें भी पिलाऊंगी। क्या बोले राक्षस, आप तो इनको ही पिला दो। क्यों? आपके स्वरूप के सामने ये अमृत फीका है। लाइन लगाकर बैठ गए, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस। नाच गान करते हुए मोहिनी रूपधारी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया है, राक्षस मोहिनी के मुख को निहार रहे हैं। पर राक्षसों में एक स्वर भानु, यह अमृत का स्वाद कैसा होता है? तो राक्षसों की लाइन छोड़ी क्योंकि समाप्त ना हो जाए। तो देवताओं की लाइन में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गए। भगवान ने देख लिया, पहचान गए, समझ गए, फिर भी अमृत पिलाया सूर्य को, राहु को और चंद्रमा। क्यों? क्योंकि तूने गलत लाइन छोड़ी है, अच्छी लाइन में आया है, अमृत पिलाऊंगा। और भगवान ने सीख दी है ऐसे जीवन में भी कोई गलत लाइन छोड़े सुधरे तो अमृत ही पिलाना। हाँ अमृत कौन सा? वचनामृत। पांच अमृत है धरती पे, चरणामृत पंचामृत अधरामृत वचनामृत और कथामृत। हाँ तो वचनामृत मीठे वचन, कोई कहे आपसे मैंने शराब छोड़ दी तो उसको हिम्मत दो, अच्छी बात है भैया। और यदि आप बोलो ना कि गले गले नर्मदा में खड़ा होके बोले तो भी नहीं माने तो उस पर क्या बीतेगी? वो यही कहेगा कि पहले पीता था तब भी नशेड़ा बोलते थे, छोड़ दी तब भी नशेड़ा बोलते हैं, तो इससे तो अच्छा है पियो और इनको निपटा। हाँ वचनामृत भगवान ने पिलाया। परंतु सूर्य चंद्रमा ने शिकायत की कि हमारे बीच में कौन सा ग्रह फंस गया, ये कौन है? तो राहु ने अभिमान दिखाया स्वरभानु ने, बंदे ने अमृत पी लिया है, एक एक को देख लूंगा। भगवान ने कहा अमृत पी लिया और फिर भी सुधार नहीं आया रे, तो पीना व्यर्थ है। यदि सुधार ना आए बदलाव ना आए तो अमृत पीना बोलो व्यर्थ है। और आपसे भी यही कहते हैं, आप ये संतों के मुख से निकला अमृत पी रहे हैं, अपना कुछ नहीं हो खुली बात। और अगर ये अमृत पीने के बाद बदलाव ना आए सुधार ना आए तो पीना व्यर्थ है, आना चाहिए। खुद देखो अपने आप में क्या कमी है उसे दूर करो। और इतने सबकी गारंटी कौन ले साहब, ले सकता कोई? पर इतने लोगों में से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सुधार आ गया बदलाव आ गया तो समझ लेना कथा सफल हो गई। हाँ और आता है। हाँ पर राहु ने अभिमान दिखाया तो सुदर्शन चक्र से भगवान ने राहु के सिर को धड़ से अलग किया। अमृत पान कर चुका था तो मरा नहीं, एक के दो हो गए, टू इन वन। हाँ राहु और केतु नवग्रहों में स्थान मिला, पूजने लगा, अमृत पिलाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने अमृत पान किया है, राक्षसों ने देखा अमृत भी नहीं है और मोहिनी भी गायब, हमारे साथ छल हुआ, मारो युद्ध करो पकड़ो। अब देवता अमृत पी चुके थे, युद्ध हुआ तो देवताओं की जीत हुई। अधमरे पड़े हैं राक्षस, इनके गुरु आए शुक्राचार्य, सबको अमृत संजीवनी विद्या से स्वस्थ किया। अस्ताचल पर्वत की तलहटी में ले गए और पूछा कि अमृत तुम्हारे हाथ में रखा था क्यों नहीं पिया? बोले गुरुजी पीते तो मगर मोहिनी आ गई ना। हाँ मगर आज भी वो मगर है पता है। हाँ आपने कहा होगा किसी से चलो कथा में, चलते तो मगर दुकान कौन संभाले, चलते तो मगर हाँ रिश्तेदारी में जाना, चलते तो मगर घर की रखवाली। और अब नहीं आए हैं तो उनसे कहना अभी भी तीन दिन बाकी है, या अगर मगर छोड़ो। हाँ जो निकल के आ गए हाँ, और जो नहीं आए उनको भी खींच लाना। क्यों? ये माई का किनारा है, वो पूछेंगे कि कहाँ चलो,
अमृत पीने, ये कथा अमृत है। चलो हाँ।